कोरोना वायरस की वजह से बॉलीवुड में शादियों पर लगा ब्रेक। इस महामारी का पड़ा बॉलीवुड स्टार्स की पर्सनल लाइफ पर गहरा असर। वरुण धवन, नताशा दलाल और ऋचा चड्ढा अली फजल ने पोस्टपोन कर दी है अपनी मैरिज डेट। कोरोना वायरस का असर धीरे धीरे बॉलीवुड सितारों की जिंदगी पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल कोरोना वायरस के कारण वरुण धवन और नताशा दलाल और ऋचा चड्ढा और अली फजल की शादी की तारीखें आगे बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी इसी साल गर्मी के मौसम में होनी थी, लेकिन अब शादी को नवंबर में शिफ्ट कर दिया गया है। तो वहीं ऋचा चड्ढा और अली फजल की शादी जो अप्रैल में ही होनी थी, उसे भी कोरोना वायरस की वजह से टाल दिया गया है। वरुण धवन और नताशा दलाल से जुड़े सूत्रों ने उनकी शादी की जानकारी देते हुए बताया, वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्होंने शादी को नवंबर तक टालने का फैसला किया है। इसके साथ ही शादी को थाईलैंड में करने का विचार बनाया गया है। सूत्रों ने बताया कि वरुण और नताशा की शादी पहले भी थाईलैंड में ही होनी थी, लेकिन इसके बाद जोधपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने का प्लान किया गया। साथ ही मुंबई में भी एक छोटा सा समारोह करने पर विचार किया गया। हालांकि कोरोना वायरस की खबर के बाद वरुण धवन और नताशा दलाल नवंबर में थाईलैंड में शादी कर सकते हैं। ऋचा और अली की शादी अप्रैल में होने वाली थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस विवाह में शामिल होने के लिए अमेरिका और यूरोप से लोग आने वाले थे। अभिनेताओं के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, वैश्विक महाबीमारी कोविड-19 के कारण मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अली और ऋचा चड्ढा ने शादी को 2020 अंत तक स्थगित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, वो सभी के स्वस्थ और सुरक्षित होने की कामना करते हैं और किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते कि उनके दोस्त, परिवार और शुभचिंतक किसी भी तरह इससे प्रभावित हो। आपका कोरोना वायरस की वजह से बॉलीवुड में लगी शादियों पर रोक की न्यूज़ पर क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड नाउ।